जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है कि व्हाट आर द पॉलिसीज टू करेक्ट द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जब आता है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है या उसको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो मैंने कल आपको करंट अकाउंट के बारे में बताया था, तो करंट अकाउंट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक विजिबल होता है जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, और विजिबल का मतलब ये है कि सिर्फ गुड्स की बात करते हैं हम लोग। और दूसरी जो है वो इनविजिबल होता है, उसको हम उसके अंदर हम ट्रेड इन सर्विसेज की बात करते हैं, इनकम की और ट्रांसफर्स की बात करते हैं। तो ये मैंने कल आपको करंट अकाउंट के बारे में बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो एक वाइडर टर्म है, और उसके अंदर तीन अकाउंट्स हैं। करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, और फिर फाइनेंशियल अकाउंट है। और मैंने आपसे कहा था कि इन तीनों का सम जो है, तीनों अकाउंट्स का सम जीरो होता है, लेकिन नॉर्मली लोग कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, तो उसका मतलब ये होता है कि करंट अकाउंट की बात कर रहे होते हैं या वो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे होते हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी करंट अकाउंट का ही हिस्सा है। बहरहाल, अगर किसी भी इकोनॉमी का करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है तो उसको करंट अकाउंट डेफिसिट को एलिमिनेट करने के लिए या करंट अकाउंट को डेफिसिट को कम करने के लिए जो पॉलिसीज हैं, वो चार तरह की पॉलिसीज हैं जो हमारे सामने हैं। नंबर वन जो है वो डेप्रिसिएशन और डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी है, और नंबर टू जो है उसके अंदर ये भी उसी की बात हो रही है, जे कर्व की। तो जे कर्व और ये जो डेप्रिसिएशन और डिवेल्यूएशन वाली बात है, एक ही बात है, तो दो को होगी चीज़ें। और तीसरा जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हैं, और चौथा जो है वो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है। तो ये चार फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली तीन फैक्टर्स हैं जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को करेक्ट करने के लिए या स्पेसिफिकली करंट अकाउंट का डेफिसिट को कम करने के लिए या उसको करंट अकाउंट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए ये तीन मेजर्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। तो इस पे बात करते हैं आज। अच्छा, इसमें जो पहली बात है वो ये कि जो पहला तरीका है वो है डेप्रिसिएशन और डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी के हवाले से। तो इसमें ये है कि जब भी आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो इसका क्या मतलब होता है? जब भी आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो उसकी क्या वजह होगी? उसकी वजह ये होगी कि आपके मुल्क के अंदर जो आपकी करेंसी की सप्लाई है वो लोकल करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, और डिमांड फॉर जो फॉरेन करेंसी है वो कम हो जाएगी। इसको मैं आपको थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डेफिसिट, या आप ये कह लीजिए कि स्पेसिफिकली, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया हुआ है, स्पेसिफिकली आपका करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में है। इसे हम CAD कह देते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट में हो। तो जब किसी कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो क्या है, कम है, और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स जो है वो ज्यादा है। या इसका दूसरा मतलब ये है कि उस मुल्क ने
इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है, तो पेमेंट्स ज्यादा करनी है किसकी निस्बत, रिसीट्स की निस्बत, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो आपने बेचनी होती है, बेच के आपको इनकम मिलती है, तो पेमेंट्स ज्यादा है, पेमेंट्स ज्यादा है किससे, रिसीट से। और अब जब पेमेंट्स के लिए ये मुल्क जाएगा तो वो फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट होनी है ना, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड में इजाफा हो जाएगा। यानी ये जो चीज है इसका रिजल्ट ये निकलेगा, इस चीज का ये चीज शो क्या कर रही है, ये शो कर रही है कि आपका करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में है। जब करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है तो इसका मतलब ये होता है, ये जो मैंने यहाँ पे समझाया, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि इस मुल्क को पेमेंट ज्यादा करनी है तो वो क्या करेगा, वो डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड, अपना लोकल फॉरेन करेंसी की डिमांड में इजाफा हो जाएगा, तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ेगी। अब जारी सी बात है कि पाकिस्तान फॉर एग्जांपल है, उसने उसकी पेमेंट अगर ज्यादा है तो पेमेंट उसने फॉरेन करेंसी में करनी है, फॉर एग्जांपल डॉलर में करनी है, तो वो डॉलर की डिमांड ज्यादा करेगा, तो डॉलर किससे खरीदेगा पाकिस्तान, किस चीज से खरीदेगा, उसको अपनी करेंसी दे के डॉलर लेना पड़ेगा ना, तो उस तो इसका मतलब है कि उसे सप्लाई देनी पड़ेगी, किस चीज की, सप्लाई ऑफ लोकल करेंसी, तो सप्लाई ऑफ लोकल करेंसी बढ़ाएगा और उसके यानी लोकल करेंसी देगा तो उसके बदले में फॉरेन करेंसी लेगा और फिर पेमेंट करेगा ना, क्योंकि करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में है तो उसे पेमेंट करनी है ज़्यादा। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि इस मुल्क का जब आप फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा करते हैं और आप अपनी करेंसी उसके लिए देते हैं तो आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाता है, यानी आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाती है। तो एक्सचेंज रेट इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपके करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट होगा ना वो अप जाएगा, लेकिन आपकी करेंसी के लिहाज से वो आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ रहे हैं ये बात, क्योंकि जिस जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा है तो फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा और आपकी करेंसी के लिहाज से एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा। मतलब ये कि जैसे आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ये इस तरीके से समझ लीजिए कि डॉलर जो है, एक डॉलर जो है वो फॉर एग्जांपल 100 रुपये का था, और अब जब आप डिमांड करेंगे फॉरेन करेंसी की ज़्यादा तो इस डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो डॉलर महंगा हो जाएगा ना, क्योंकि आप फॉरेन करेंसी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो वही एक डॉलर अब 150 रुपये का आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सचेंज रेट है डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट वो बढ़ जाएगा। डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब ये है, डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब ये है कि रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि पहले एक डॉलर जो है वो 100 रुपये का आता था, अब एक डॉलर 150 रुपये का आता है, तो डॉलर तो की वैल्यू तो बढ़ रही है, डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट तो बढ़ रहा है लेकिन आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट गिर रहा है। तो यहाँ पर यही बात है कि एक्सचेंज रेट गिरने का मतलब है कि आपकी करेंसी का दूसरी करेंसी के लिहाज से एक्सचेंज रेट गिर जाएगा, ये वाली बात है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क के अंदर क्या होगा, एक्सचेंज रेट जो है वो डेप्रिशिएट कर जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये चीज है, ठीक है जी। तो ये चीज जब होती है तो अच्छा, एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि इसका मतलब जिस मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है उस मुल्क की
उस मुल्क का एक्सचेंज रेट जो होता है वो का ये हाल होता है, वो डाउनवर्ड जाता है और दूसरे मुल्क के साथ उसका एक्सचेंज रेट क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि जी पहले जो है वो $1 जो है 100 रुपये का था और अब वही $1 जो है वो 150 रुपये का हो गया है, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हुआ है इसमें तो इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट जो है वो रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो गया है, या इन अदर वर्ड्स डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, तो ये नतीजा हुआ। तो इसके नतीजे में आपकी करेंसी की वैल्यू, वैल्यू ऑफ करेंसी यानी लोकल लोकल करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ये जो लोकल करेंसी की वैल्यू कम हुई है इसके दो मतलब हैं, एक को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, और दूसरा हम कहते हैं डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी, डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब देखना ये है कि इस एक्सचेंज रेट को, जो एक्सचेंज रेट रुपी डॉलर, इसको इसको कहते हैं, इसको कहते हैं रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट और इसको कहते हैं डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट। ठीक है ना जी। तो एक का बढ़ना दूसरे का गिरना है, क्योंकि एक करेंसी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि दूसरी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, ये तो ऑटोमेटिक बात है। तो अब ये देखना है कि जो वैल्यू ऑफ द करेंसी फॉल हुई है, आपकी लोकल करेंसी की वैल्यू कम हुई है, इसको इसके दो नाम हैं, इस गिरने के दो नाम हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम डेप्रीसिएशन कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन ऑफ द करेंसी, इस गिरने को, और एक को हम कहते हैं डिवेल्यूएशन ऑफ द करेंसी। ठीक है जी। अब देखना यह है कि कब डिवेल्यूएशन कहेंगे, कब डेप्रीसिएशन कहेंगे, तो इसके लिए देखना यह पड़ेगा कि इस एक्सचेंज रेट को कम किसने किया है, या खुद ब खुद हुआ है या किसी ने किया है। तो इसके हवाले से अगर आप देखें तो अगर दो फोर्सेस हैं, एक है सेंट्रल बैंक और दूसरा है मार्केट फोर्सेस, यानी इस एक्सचेंज रेट को चेंज करने वाले दो फैक्टर्स हैं, या तो मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई, या फिर सेंट्रल बैंक, या इन अदर वर्ड्स उसको गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी बिहाफ पे वो काम कर रहा होता है सेंट्रल बैंक। तो जो डिवेल्यूएशन और रिवेल्यूएशन होता है ना, वो सेंट्रल बैंक खुद कर रहा होता है, और जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होती है वो मार्केट फोर्सेस की वजह से होती है। ये मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए समझा दिया है कि अगर एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करने वाला कौन है, अगर एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करने वाला सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक को मैंने सर्कल से शो किया है और इधर भी मैंने सर्कल से शो किया है इसको। तो इस गिरने को फिर क्या कहेंगे, ये जो वैल्यू ऑफ करेंसी गिर रही है इसको हम डिवेल्यूएशन कहेंगे, या रिवेल्यूएशन, अगर गिरना है तो डिवेल्यूएशन और अगर बढ़ना है तो रिवेल्यूएशन। और अगर फॉर एग्जांपल इस एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करने वाली कौन है, मार्केट फोर्सेस हैं, तो ये मैंने मार्केट फोर्सेस को इससे शो कर दिया है स्क्वायर से, तो इसका मतलब अब इस एक्सचेंज रेट को इफेक्ट किसने किया है, वो मार्केट फोर्सेस ने किया है। तो तब तब अगर करेंसी की वैल्यू में कमी आएगी तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, फिर इस गिरने को, ये जो करेंसी की वैल्यू गिर रही है, ये वाली गिर रही है,
इस गिरने को फिर हम क्या कहेंगे, इसको फिर हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। इस गिरने के दो दो नाम हैं, इस गिरने के दो नाम हैं, एक को डेप्रिसिएशन कहते हैं, एक को डिवेल्यूएशन कहते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि इस एक्सचेंज रेट को गिराया गया या गिर गया। तो अगर गिराया गया है तो वो सेंट्रल बैंक ने किया है, अगर गिर गया है तो मार्केट फोर्सेस ने किया है। तो मार्केट फोर्सेस जो हैं उनकी वजह से अगर हो तो उसे उसे हम कहते हैं कि ये डेप्रिसिएशन है, यानी गिर गया, ये गिर गया, करेंसी की वैल्यू गिर गई या एक्सचेंज रेट गिर गया। या अगर गिराया जाए तो उसे कहते हैं कि सेंट्रल बैंक की तरफ से डिवेल्यूएशन कहते हैं उसको। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, जब आप अपना एक्सचेंज रेट को कम कर देते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में ये होता है कि ये मैंने अभी आपको बताया कि एक्सचेंज रेट जो है उसमें डॉलर, ये डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट है एक्चुअली जो दिया हुआ है। और इस और एक अगर आपको पता हो तो दूसरा, आप दूसरा उसका रेसिप्रोकल होता है, उससे आप फाइंड कर सकते हैं। तो समझ गए? तो ये बात है जो समझने वाली है। तो ये अब जरा वाजह तौर पर आपको नजर आ रहा होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो बहरहाल अब जब आप अपनी ये चीज ज़हन में रखें कि एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करने वाले दो फैक्टर्स हैं, या सेंट्रल बैंक या मार्केट फोर्सेस, अगर उन इनकी वजह से एक्सचेंज रेट गिरे या आपकी करेंसी की वैल्यू गिरे, तो उसके दो नाम हो सकते हैं। या तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे या फिर हम उसे डिवेल्यूएशन ऑफ द करेंसी कहेंगे। ठीक है ना जी? और क्यों कहेंगे वो मैं हमें अभी बता दिया। अच्छा, अब जब आप करेंसी की वैल्यू को अपनी को कम करते हैं तो इसके नतीजे में दो चीज़ें सामने आती हैं। वो क्या आती हैं कि देखें कि जब एक डॉलर जो है वो 100 रुपये का है और फिर वही डॉलर एक जो है वो 150 का हो जाता है, तो क्या होता है इसके नतीजा? इसका नतीजा निकलता है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चीपर हो जाती हैं। एक्सपोर्ट्स चीपर होने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट की कीमत जो है वो कम हो जाती है। नंबर टू ये होता है कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं। एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव होने का मतलब ये है कि इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है ना जी? कैसे? वो ऐसे कि आप फर्ज करें कि पहले एक डॉलर जो था वो 100 रुपए का था, अब वही एक डॉलर 150 रुपए का है। इसको पहले इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके जो लोग बाहर के जो लोग हैं, पहले हमें एक डॉलर देते थे तो हम उनको 100 रुपए देते थे उसके बदले में, फॉरनर्स। अब वो हमें एक डॉलर देते हैं तो हम उनको 150 रुपए देते हैं। वो खुश होंगे या नहीं खुश होंगे? उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? उनको फायदा हुआ ना, तो इसलिए उनके नज़दीक एक्सपोर्ट्स क्या, हमारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि उसी एक डॉलर के बदले में उनको अब 150 रुपये मिलता है, तो वो हमारी 150 रुपये की चीज़ें खरीद लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो एक्सपोर्ट्स जो है चीपर होगी उनके लिए, क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। उनकी करेंसी की वैल्यू पहले 100 रुपया थी, अब उनकी करेंसी की वैल्यू जो है वो 150 हो गई है। दे आर हैप्पी नाउ। लेकिन अब अगर हम इस तरीके से देखें, इधर से और इधर से देखें, तो इसमें देखें कि हमारे मुल्क के लोग फर्ज करें कि उन्होंने एक डॉलर की चीज़ बाहर से मंगवानी है, तो पहले वो 100 रुपया देते थे अपने सेंट्रल बैंक को और एक डॉलर लेके वो चीज़ मंगवा लेते थे। अब उन्हें वही एक डॉलर की चीज़ मंगवाने के लिए अब उनको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 150 रुपये देना पड़ेगा, और फिर उनको एक डॉलर मिलेगा तो फिर वो एक डॉलर की चीज़ बाहर से मंगवाएंगे, तो उनके लिए तो महंगी होगी ना। हमारे लिए तो, हमारे लिए यानी इम्पोर्टर के लिए वो चीज़ महंगी होगी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इम्पोर्ट एक्सपेंसिव हो गई है। समझ गए? इसका मतलब ये है कि जब भी डॉलर की डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट बढ़ता है, या इन अदर वर्ड्स रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट गिरता है, तो इसके दो मतलब है ना, इस चीज़ के इसके दो मतलब हैं कि एक्सचेंज रेट डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट तो बढ़ गया, लेकिन या इसका दूसरा मतलब यह है कि रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट गिर गया।
तो जब भी ये दोनों चीजें होंगी एक ही बात है, तो उसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएंगी, तो एक्सपोर्ट की कीमत कम हो जाएगी, इम्पोर्ट की कीमत बढ़ जाएगी। और जब ये होता है तो इसका इफेक्ट किस पे जाता है? डिमांड पे जाता है। तो डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, जारी सी बात है, जब जिस चीज़ की भी कीमत कम हो उस चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ती है, तो डिमांड एक्सपोर्ट की बढ़ेगी, और दूसरी तरफ डिमांड जो है इम्पोर्ट की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये रिजल्ट जो है हमें नज़र आता है वहाँ पे, ठीक है ना जी? इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क के अंदर ये चीज़ हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज आपको एक और बता दूं, वो ये कि इधर से जब भी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, यानी जब आप ये एक चीज करेंगे, ये चीज करेंगे, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा जो आपको नजर आ रहा है। और फिर ये चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड बढ़ेगी और डिमांड फॉर इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक्सपोर्ट की डिमांड कितनी बढ़ेगी और इम्पोर्ट की डिमांड कितनी कम होगी, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। और जाहिर सी बात है, कितनी की बात आएगी तो इलास्टिसिटी आ जाएगी। इलास्टिसिटी जो है वो ये चीज़ तय करेंगी कि क्या होगा। इसका मतलब ये है कि आप जब इनको बेचेंगे तो प्राइस एक्सपोर्ट की कम हुई और आपने डिमांड बढ़ा दी, तो अब ये है कि एक्सपोर्ट्स के जो बेच के जो रेवेन्यू आपको मिलना है, तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, या एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि प्राइस रेवेन्यू का फार्मूला आपको पता है ना, टोटल रेवेन्यू का फार्मूला होता है पी इंटू क्यू, और यही फार्मूला वैल्यू का भी होता है। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स निकाल लें या एक्सपोर्ट रेवेन्यू निकाल लें, तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट को क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो डिपेंड करेंगे, क्योंकि आपने अपनी चीज़ सस्ती की है लोगों के लिए, फॉरनर्स के लिए, तो उन्होंने आपकी चीज़ की डिमांड बढ़ाई है, ये वाली बात मैं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो डिपेंड करेगा कितना होता है। तो वो डिपेंड डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। तो वो थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। वो थ्री फैक्टर्स क्या क्या हैं? दैट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। एक्सपोर्ट रेवेन्यू डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर्स। नंबर वन, उसमें ये आता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है फॉर एक्सपोर्ट्स वो कितनी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स कितनी है? इसका मतलब ये है कि यहाँ देखिए कि जब आपने अपनी करेंसी, अपना एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट किया है या हो गया है, और आपने अपनी चीज़ें सस्ती कर दी हैं फॉरेनर्स के लिए ये करके, तो ये डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इतनी बड़ी है, ये इतनी भी तो बढ़ सकती थी, ये इतनी भी तो बढ़ सकती है, यानी इतनी भी बढ़ सकती है, इतनी भी बढ़ सकती है। तो ये देखना पड़ेगा कि कितनी बढ़ाई उन्होंने। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स का मतलब है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स कितनी है। अगर तो ये थोड़ी सी कीमत आपकी चीज़ों की कम होने से फॉरनर्स आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, तब तो आपके एक्सपोर्ट रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि इफ़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इज इलास्टिक, तो फिर तो थोड़ी सी कीमत कम करेंगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपके रेवेन्यू जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे ज़्यादा, है ना? और अगर अगर दूसरी चीज़ ये कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इन इलास्टिक है, यानी लेस इलास्टिक, तो फिर टोटल रेवेन्यू शायद उतने ना बढ़े, है ना? बढ़ेंगे, लेकिन कितने बढ़ेंगे? वो थोड़े बढ़ेंगे। तो
तो इसलिए ये एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है ये डिपेंड करेगा तीन फैक्टर्स पे जो मैं बात करूँ। उसमें पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, ये रेवेन्यू मींस एक्सपोर्ट रेवेन्यू है ना। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर बताया गया है वो है कि आपने अपनी चीज़ सस्ती कर ली है, लेकिन क्या आपके पास है भी सही इतनी। यानी इसका मतलब ये है कि आपके जो मुल्क के लोग हैं या आपकी मुल्क की इंडस्ट्री है वो कितना उसका रिस्पांस क्या है। यानी रिस्पांस रिस्पांस ऑफ लोकल इंडस्ट्री। आप अपनी चीज सस्ती कर लें और वो आपसे मांगे और आपके पास हो ही ना, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो रिस्पोंड कैसे करती है, इसको बढ़ा पाएगी कि नहीं बढ़ा पाएगी। यानी वो मोर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ठीक है ना जी। तो यानी एक तो इसमें ये है कि दो बातें कि कैन लोकल इंडस्ट्री, कैन लोकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस मोर फॉर एक्सपोर्ट्स, नंबर वन। नंबर टू इसमें ये है कि लोकल इंडस्ट्री कैन लोकल इंडस्ट्री स्विच देयर सेल्स फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट टू फॉरेन मार्केट, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि हमें इस चीज़ हमारी चीज़ की जो है वो डिमांड ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारी डिमांड ज़्यादा कर रही है, फॉरेनर्स हमारी चीज़ों को ज़्यादा मांग रहे हैं, तो लोकल इंडस्ट्री लोकल मार्केट में बेचने के बजाय फॉरेन मार्केट में बेचने के लिए तैयार है। तो ये दो क्वेश्चन है। अगर है तो फिर तो ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी और रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्ड देखना पड़ेगा इंडस्ट्री का क्या आता है। नंबर थ्री जो फैक्टर है वो ये है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी देखनी पड़ेगी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब ये है कि आपको ये तो पता चल रहा है कि जी यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है, ये आपके सामने आपको ये नज़र आ रहा है कि डिमांड बढ़ रही है। तो इस जब ये डिमांड ज़्यादा करेंगे एक्सपोर्ट की, तो डिमांड के बढ़ने के नतीजे में, जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड के बढ़ने के नतीजे में प्राइसेस बढ़ेंगी, और जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि सेलर्स जो हैं वो सप्लाई बढ़ाएंगे लोकल मार्केट के। तो अब ये देखना है कि वो सप्लाई कितनी बढ़ा सकते हैं। यानी प्राइसेस के बढ़ने से सप्लाई तो बढ़नी है, लेकिन ये इतनी भी तो बढ़ सकती है, इतनी भी तो बढ़ सकती है, और ये चीज़ डिपेंड करेगी किसके ऊपर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के मुताबिक ये चीज़ आएगी, क्योंकि डिमांड तो आपके मुल्क में बढ़ गई है, ये आपको नज़र आ रही है डिमांड बढ़ी हुई है। ये मैं आपको बताया, ये डिमांड बढ़ चुकी है आपकी चीज़ों की, लेकिन अब ये देखना है कि डिमांड के बढ़ने से कीमतें बढ़ेंगी और कीमतों के बढ़ने से सप्लाई तो बढ़नी है, लेकिन कितनी बढ़ा पाते हैं ये देखना पड़ेगा। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जी जो कि एक्सपोर्ट रेवेन्यूज जो है जिन पे एक्सपोर्ट रेवेन्यू के बढ़ने या कम होने का इनसार इन तीन फैक्टर्स के ऊपर मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे आगे चलें तो ये बात समझिए कि नेक्स्ट जो इसके अंदर चीज है वो ये है कि जब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। यानी जब हम एक्सचेंज रेट को यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक्चुअली हमने अपने एक्सचेंज रेट को फॉल किया हुआ है। यानी लोकल करेंसी टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो गिर गया है। तो एक्सचेंज रेट जब फॉल होता है तो उसके ये नतीजे आपके सामने हैं जो मैंने भी आपको समझाए हैं, लेकिन इसको मज़ीद इस तरीके से समझ लीजिए कि
कि इसको हम एक हेडिंग से समझ लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट, इफेक्ट्स ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट, ये हमारा मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं, इफेक्ट्स इन फॉल इन एक्सचेंज रेट। अगर एक्सचेंज रेट फॉल करता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, वो इफेक्ट्स तो मैंने बता दिए हैं आपको, ये चीज़ें होंगी, यानी दो इफेक्ट्स होंगे, एक ये कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चीपर हो जाएंगी, यानी आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस दुनिया के लिए कम हो जाएंगी और दुनिया खुश होकर उसको ज़्यादा ख़रीदना चाहेगी, लेकिन कितना ज़्यादा खरीदती है ये, तो ये दो इफेक्ट्स तो वाज़े तौर पर हमें नज़र आ रहे हैं, नंबर वन, नंबर टू। और फिर इसको इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए आपके एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू के हवाले से बात करें तो वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो मैंने भी आपको बताया। तो इसका मतलब जब एक्सचेंज रेट फॉल करता है तो इसका यानी आपका रुपी अगर है और ये डॉलर एक्सचेंज रेट इसका मतलब कम होता है तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। तो इसके इफेक्ट्स एक्चुअली हम दो टाइम पीरियड्स में देख सकते हैं, एक जो है वो शॉर्ट रन के अंदर और एक लॉन्ग रन के अंदर। इफेक्ट्स ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट, नंबर वन इसको हम डिस्कस कर रहे हैं इन शॉर्ट रन, इन शॉर्ट रन, तो इन शॉर्ट रन एंड देन फिर हम इसको लॉन्ग रन में भी डिस्कस करते हैं। तो असल चीज़ ये कि शॉर्ट रन में क्या हुआ, क्यों, तो ये हुआ ये कि अगर अगर फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर इंपोर्ट्स जो है वो इनइलास्टिक है, यानी इनइलास्टिक का मतलब आपको पता है कि लेस इलास्टिक को हम कहते हैं, डिमांड फॉर इंपोर्ट इज इनइलास्टिक, और ये मतलब हो और सो प्राइस ऑफ इंपोर्ट बढ़ जाए, जैसे यहाँ पे हुआ है कि आपने एक्सचेंज रेट को जब डेप्रिशिएट किया तो प्राइस ऑफ इंपोर्ट आपके सामने ये बढ़ गई, तो प्राइस ऑफ इंपोर्ट अगर बढ़ जाए तो उसका रिजल्ट ये निकलना है कि प्राइस ऑफ इंपोर्ट के बढ़ने से जो क्वांटिटी डिमांड है इम्पोर्ट की वो गुजारिश से बात है कम होनी है। तो देखना ये है कि आपके जो एक्सपेंडिचर हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर वो क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे, इम्पोर्ट्स तो कम होंगी लेकिन एक्सपेंडिचर और इम्पोर्ट बढ़ जाएंगे, क्यों भला, क्योंकि आपको अब चीज़ें बाहर से जो चीज़ें आप मंगवा रहे हैं वो अब आपको महंगी मिल रही हैं, तो एक्सपेंडिचर्स ऑन इम्पोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगे, ये बात समझ रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि प्राइस ऑफ इम्पोर्ट में इजाफा तो हुआ, किस वजह से, क्योंकि आपने एक्सचेंज रेट को क्या किया है, फॉल कराया है या किया है या खुद हो गया है, तो उसके नतीजे में अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ इफ डिमांड फॉर इंपोर्ट इज इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक है तो कीमतें बढ़ने के बावजूद भी जो उसमें डिमांड में कमी आएगी वो इतनी ज्यादा नहीं आएगी, थोड़ी आएगी, अगर तो ये इतनी ज्यादा कमी आ जाती फिर तो बहुत अच्छी बात थी, इतनी ज्यादा आ जाती फिर तो आपके एक्सपेंडिचर और इम्पोर्ट ना बढ़ते, लेकिन अब तो आप देखें सिर्फ इतनी सी कमी आई है, थोड़ी सी, तो इसका मतलब ये वाला चीज़ हुई है, क्योंकि ये इस वजह से हुई है कि यहाँ पर ये इनइलास्टिक है, ये किस वजह से है कि डिमांड फॉर इंपोर्ट क्या है, वो इनइलास्टिक है, ये आपके सामने इनइलास्टिक है, तो इनइलास्टिक का मतलब ये है कि ये वाला ये होगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाली चीज़, तो इसके नतीजे इसका मतलब ये है कि आपने अपनी चीज़ें उनकी चीज़ें अपने लिए महंगी कर ली हैं, फॉरेनर्स की चीज़ें अपने लिए महंगी कर ली हैं,
तो आपका एक्सपेंडिचर जो है इम्पोर्ट पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन आपको फायदा हो सकता था, उस वक्त फायदा था आपको, ये एक्सचेंज रेट के कम होने का या डेप्रिशिएट करने का उस वक्त फायदा था जब ये इन इलास्टिक ना होती बल्कि मोर इलास्टिक होती, तो तब फायदा होता। यानी ये होता कि यहाँ पर ये वाली चीज हो जाती, यानी इसमें कमी बहुत ज्यादा हो जाती। तो ये कमी उस वक्त ही ज्यादा होगी ना जब जब यहाँ पर इन इलास्टिक की जगह पर क्या आएगा, मोर इलास्टिक या इलास्टिक आएगा। तो इलास्टिक अगर होगा, तो अगर इलास्टिक ये हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये चीज हो सकती है। और फिर अगर ये चीज होगी तो फिर आपका एक्सपेंडिचर और इम्पोर्ट जो होगा, यानी ये दोनों चीजें हो जाएं, तो फिर आपका एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट्स जो है वो कम हो जाएगा। फिर तो फायदा है, फिर तो फायदा है। लेकिन अगर अगर ये इनइलास्टिक है फिर फायदा नहीं है। फिर तो डिमांड कम तो होनी, लेकिन थोड़ी सी कम होनी, तो फायदा क्या है, फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये लिंक समझ आ गया आपको, कि इलास्टिसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कि कितनी कमी आती है। तो ये चीज समझने वाली थी। दूसरी तरफ ये, चूंकि मैंने भी आपको बताया कि जब डिमांड जो है वो ये वाली चीज जो मैंने भी आपको समझाई है कि एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करने के नतीजे में इंपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी, तो डिमांड फॉर इंपोर्ट तो कम होनी है, लेकिन कितनी कम होनी है। और दूसरी चीज ये कि आपने जब अपना एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट किया है, तो उसके नतीजे में एक्सपोर्ट की डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी। ये इतनी बढ़ रही है, ये इससे ज्यादा भी तो बढ़ सकती है ना। यानी ये भी तो मुमकिन है कि ये चीज हो जाए, ये भी मुमकिन है ये चीज हो जाए। तो ये देखना पड़ेगा हमें कि एक्चुअली इसमें इलास्टिसिटीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अब यहाँ पे देखें कि शॉर्ट रन में मैं बात कर रहा हूँ, तो शॉर्ट रन में तो जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, शॉर्ट रन में तो ये क्या है, इन शॉर्ट रन हम बात करें तो शॉर्ट रन में तो ये लेस इलास्टिक है। और शॉर्ट रन में जो आपकी डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स हैं वो भी क्या है, वो भी क्या होता है, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी इनइलास्टिक होती हैं। ये दोनों चीजें ये ज़हन में रहें, ये दोनों चीजें शॉर्ट रन में बता रहे हैं। शॉर्ट रन में ही डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स लेस इलास्टिक होती है, और शॉर्ट रन में ही डिमांड फॉर इम्पोर्ट भी लेस इलास्टिक होती है। तो ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, जैसे ये अब मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, तो इसका मतलब ये है कि आप जब ये डेप्रिशिएट करते हैं एक्सचेंज रेट को, तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाती हैं, सॉरी बढ़ नहीं जाती, कम हो जाती है, चीपर हो जाती है, ये वाली बात कर रहा हूँ। दिस में एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम हो जाती हैं, इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाती है, किसकी नतीजे में, ये जो हमने डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट की बात की है। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट्स तो क्या हो गई, चीपर हो गई। तो एक्सपोर्ट्स जब चीपर होंगी, यहाँ पे एक इम्पोर्ट्स क्या हो गई थी, यहाँ पर इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गई थी ना, ये वही बात है जो ऊपर करते आ रहे हैं। और यहाँ पर एक्सपोर्ट्स क्या हो गई, चीपर हो गई। तो डिमांड जो है एक्सपोर्ट्स की वो बढ़ेगी, लेकिन चूंकि इनलास्टिक है, तो इनलास्टिक है तो सिर्फ इतनी बढ़ेगी। इतनी ज्यादा बढ़ जाती तो क्या बात थी, फिर तो मजे थे, लेकिन ये नहीं हो सका। इसका मतलब ये हुआ कि लेस इलास्टिक की वजह से डिमांड जो है वो इतनी बढ़ेगी। तो जब ये होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आपकी जो एक्सपोर्ट से आपको रेवेन्यू मिलने थे वो इतने ज्यादा नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना जी।
एक्सपोर्ट्स के रेवेन्यू आपको इतने ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। तो ये दो चीज़ें क्लियर करनी थी आप लोगों ने। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें, और दूसरा ये कि शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो अपना डिमांड जो है, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट जो है वो इनइलास्टिक है, तो इस वजह से एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगी। तो ये चीज़ होगी वहाँ पे, ठीक है ना जी? क्योंकि क्यों ये इतनी ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाएंगी? बढ़ेंगी तो सही, लेकिन इतनी ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाएंगी? यानी इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि इतना क्यों नहीं बढ़ जाएंगी, ये इतनी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ जाएगी? उसकी वजह ये है, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। होनी तो येलो वाली लाइन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ग्रीन हो रही है। तो इसकी वजह ये है कि एक्सपोर्टर्स जो हैं, जिन्होंने बेचनी है, यानी पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो एक्सपोर्टर्स आर अनेबल टू इंक्रीज इंक्रीज देयर आउटपुट, सो एक्सपोर्ट सप्लाई सो एक्सपोर्ट सप्लाई वुड इंक्रीज लेस। तो एक्सपोर्ट की सप्लाई भी क्या है? थोड़ी है, तो फिर डिमांड कितनी हो सकती है? ठीक है ना जी? जब जब सप्लाई नहीं है इतनी, तो डिमांड सप्लाई के मुताबिक एडजस्ट होनी है ना। तो ये वजह है, इसलिए इसलिए ये दोनों चीज़ें शॉर्ट रन में हुई। तो दोनों चीज़ें क्या हुई हैं? शॉर्ट रन में हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये नज़र आ गया कि शॉर्ट रन के अंदर, इन शॉर्ट रन जब हम हमारा एक्सचेंज रेट कम होता है, एक्सचेंज रेट कम होता है या डेप्रिशिएट होता है, तो शॉर्ट रन के अंदर जो डिमांड फॉर एक्सपोर्ट और डिमांड फॉर इंपोर्ट है वो इनइलास्टिक होती है। यानी इसका मतलब इन शॉर्ट रन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इलास्टिसिटीज इलास्टिसिटीज आर इनइलास्टिक आर इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। ये चीज है, इन अदर वर्ड्स कि ये लेस देन वन होती है, इन इलास्टिक लेस देन वन को कहते हैं शॉर्ट रन में। तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है शॉर्ट रन के अंदर। तो शॉर्ट रन के अंदर, इन शॉर्ट रन द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इलास्टिसिटीज आर इन इलास्टिक या लेस देन वन या लेस इलास्टिक होती हैं। ये रिजल्ट है, ठीक है जी? और इसकी वजह से इवन, यानी इवन अब आपने इवन एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर रहा है, बट इसकी वजह से, यानी एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो रहा है लेकिन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इलास्टिसिटीज लेस इलास्टिक होने की वजह से आपका जो शॉर्ट रन में आपका अभी एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर होने के बजाय मजीद वर्स हो जाता है। यानी बट करंट अकाउंट डेफिसिट डिटोरिएट या वर्स हो जाता है। आ, 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 ये बात समझ गए? इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट भी हो रहा है, लेकिन करंट अकाउंट मजीद बेहतर होने के बजाय, क्योंकि आप तो
एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करने के नतीजे में तो आप ये कहते हैं ना कि हमें फायदा होगा, क्यों क्या फायदा होगा कि आपकी एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएंगी। ये देखें ना, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट किया था यहाँ पे, ये एक्सचेंज रेट क्या बता रहा है, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हुआ है ना। तो एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होने का फायदा क्या आप ले रहे चाह रहे थे कि एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएं और इम्पोर्ट्स जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएं, ताकि इम्पोर्ट कम लोग लें हमारे मुल्क के और एक्सपोर्ट हमारी ज़्यादा हो जाए। लेकिन आप देखें तो इससे क्या होगा, आपका करंट अकाउंट जो है वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो बेहतर नहीं होता बल्कि मजीद खराब हो जाता है। तो ये, लेकिन ये होता कब है, ये आपके सामने, ये शॉर्ट रन में होता है। शॉर्ट रन में क्यों होता है ऐसा, क्योंकि डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर इम्पोर्ट इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होती है। इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो वर्स हो जाता है, इवन कि आप एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। हालांकि एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होने के नतीजे में ये करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, लेकिन ये वर्स हो जाता है। लेकिन ये होता सिर्फ शॉर्ट रन में, लेकिन जब लॉन्ग रन आता है, ये पहली बात मैं शॉर्ट रन की कर रहा था ना यहाँ पे, लेकिन जब जब लॉन्ग रन आता है तो लॉन्ग रन में देखें क्या होता है, यानी इन दी लॉन्ग रन, तो इन दी लॉन्ग रन क्या होता है। अब लॉन्ग रन में जब हम यही एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करता रहता है और लॉन्ग रन आ जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर ये जो लॉन्ग रन के अंदर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट और डिमांड फॉर इंपोर्ट इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी, ये दोनों लेस देन वन के बजाय क्या हो जाते हैं, इलास्टिक हो जाते हैं। इलास्टिक हो जाते हैं मतलब कि मोर इलास्टिक जिसे कहते हैं हम लोग, या इन अदर वर्ड्स ग्रेटर देन वन पे चले जाते हैं। ये लॉन्ग रन में होता है। अब लॉन्ग रन में जब ये होता है तो फिर फायदा होता है, क्योंकि फिर ये चीज होती है, क्योंकि आप एक्सचेंज रेट को जब डेप्रिशिएट करते हैं तो फिर ये चैनल ग्रीन वाला, ये वाला चलना शुरू हो जाता है, ये येलो वाली बात, ये वाली होना शुरू हो जाती है। और इधर से जब आप एक्सपोर्ट की कीमतें कम करते हैं तो फिर ये वाला चैनल चलता है, ये ग्रेटर देन वन वाला केस है ये वाला। अब देखें फायदा है, क्योंकि इम्पोर्ट आपने एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट किया तो आपकी इम्पोर्ट कम हुई, और बहुत ज्यादा कम हुई है, देखें ये बहुत ज्यादा कम हुई है, येलो वाला चीज देखें। और इसी तरीके से आपने एक्सपोर्ट की कीमत को कम किया तो आपकी एक्सपोर्ट में इजाफा बहुत ज्यादा हुआ, ये वाली चीज, ये बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, ठीक है ना जी। तब फायदा है, और ये कब होगा, मोर इलास्टिक जब होगी, ये लॉन्ग रन में होगा। डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर इम्पोर्ट इलास्टिसिटी लॉन्ग रन में मोर इलास्टिक हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इन द लॉन्ग रन इफ एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट्स इन द लॉन्ग रन इफ एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट्स तो फिर आपकी जो करंट अकाउंट है वो इम्प्रूव होता है। कर रहा था कि एक्सचेंज रेट के डेप्रिशिएट होने से करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, इम्प्रूव होगा। लेकिन ये इम्प्रूव कब होगा, वो मैंने आपको भी बताया कि जब लॉन्ग रन आएगा। तो इसी इसके इसके लिए इसका मतलब ये है कि टाइम जो है वो आफ्टर टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें जो है वो एडजस्टमेंट का प्रोसेस लेती हैं, और देन इट वुड इम्प्रूव। तो क्योंकि जब मोर इलास्टिक में उसी वक्त आप जाएंगे जब आपकी प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकेंगे, और दूसरी तरफ आप इंपोर्ट की डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी उस सूरत में लेके आएंगे जब आप इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट अपने मुल्क के अंदर तैयार करना शुरू कर देंगे। तो तब आपको एक्सचेंज रेट में कमी करने का या डेप्रिशिएट करने का फायदा होगा, और आपका करंट अकाउंट जो है उस वक्त जो है वो इम्प्रूव होना शुरू होगा। तो दैट टेक्स टाइम। तो आफ्टर इन
एडजस्टमेंट प्रोसेस आफ्टर अ टाइम लैग ये चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। इसी फिनोमेना को एक कर्व से शो किया गया और इस फिनोमेना को हम जे कर्व कहते हैं। ये जो मैंने अभी आपको समझाई है बात, दैट इज कॉल्ड जे कर्व। जे कर्व इसलिए कहते हैं कि इसकी जो शेप है वो जे की तरह होती है। तो वो जे कर्व है क्या, वो यही दो चीज़ें, उन दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है। यानी एक शॉर्ट टर्म, ये जो इफेक्ट्स ऑन फॉल इन द एक्सचेंज रेट, ये एक शॉर्ट टर्म की कहानी, और एक ये जो लॉन्ग रन की कहानी है। यही चीज़ अगर हम कर्व की सूरत में बता दें तो इसको हम जे कर्व कहते हैं। तो जे कर्व ये कहता है कि इन शॉर्ट रन, जे कर्व ये कहता है कि इन शॉर्ट रन आपका जो डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी एंड डिमांड फॉर इंपोर्ट इलास्टिसिटी, यानी इलास्टिसिटीज एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की, वो लेस देन वन होती है। और लेस देन वन होने का वजह से लेकिन लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन ये जो डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर इंपोर्ट इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन वन हो जाती है। तो अब वो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर एक्सचेंज रेट जो है वो डेप्रिशिएट करे, इफ एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट, तो शॉर्ट रन के अंदर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर इंपोर्ट इलास्टिसिटी लेस देन वन होने की वजह से आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मजीद जो है वो बढ़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग रन में आपके एक्सपोर्ट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से और इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट अपने मुल्क में तैयार करने की वजह से आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जे कर्व कहते हैं। इसको हम कर्व को समझ भी लेते हैं। जैसे ये देखिए, यहां पर जीरो है, ये जीरो से ऊपर पॉजिटिव है तो इसको हम सरप्लस कह देते हैं, और जीरो से नीचे, ये सरप्लस का मतलब पॉजिटिव है, और नीचे जो है हम इसको क्या कह देते हैं, डेफिसिट कह देते हैं। तो डेफिसिट का मतलब आपको पता है नेगेटिव होता है। तो ये जे कर्व की स्टोरी है, ये है जे कर्व, ये है जी जे कर्व। इसका मतलब ये है कि ये आपको बता रहा है कि जे कर्व क्या बता रहा है, इस तरफ हमें क्या पता चल रहा है, यहां पर टाइम है। तो ये टाइम मैंने इधर लिखा है शॉर्ट रन के अंदर, और ये क्या है, लॉन्ग रन के अंदर है। तो ये आपको बता रहा है कि यहां तक जरा देखिए, ये वाला जो मैं इसको थोड़ा सा बता दूं, ये जो हिस्सा है इसमें देखें तो आपका जो बैलेंस है करंट अकाउंट पे, यानी ये एक्चुअली क्या है, ये सरप्लस या जो भी है, ये बैलेंस है, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो आप देखें, तो करंट अकाउंट अगर जीरो से नीचे है तो ये डेफिसिट है ना। तो और देखें, आपने एक्सचेंज रेट को क्या किया, आपने एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट किया, और डेप्रिशिएट होने की वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मजीद बढ़ना शुरू हो गया। ये देखें, ये मजीद नेगेटिव जा रहा है, यहाँ तक मजीद नेगेटिव है, यहाँ तक देख रहे हैं ना। और ये वाली स्टोरी, इसका मतलब है शॉर्ट टर्म की स्टोरी है, जिसमें एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट किया तो डेफिसिट मजीद बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जब हमने बात की किसकी भला, लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन जब आया तो लॉन्ग रन में जो इलास्टिसिटीज हैं वो ग्रेटर देन वन हुई, तो फिर ये देखें, ये
डेफिसिट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव से जीरो की तरफ जा रहे हैं हम, फिर ये जीरो हो गया और फिर डेफिसिट कम होते होते जीरो हुआ और फिर किस में चला गया, यानी ये कम होते 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 कहाँ पे आ गया, जीरो पे आया और फिर प्लस में चला गया, है ना। यानी ये करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिसिट ना रहा बल्कि सरप्लस में चला गया। तो ये फिर प्लस, ये वाली जो आपको मैंने ग्रीन से इसको शेडेड किया है, ये चीज लॉन्ग रन में होती है। इसका मतलब नेगेटिवली स्लोप्ड जहां पे ये कर्व होगा वहां पर शॉर्ट रन होगा, और वहां पर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर इंपोर्ट इलास्टिसिटी वो लेस देन वन होगी, और जहां पर ये पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाएगा वहां पर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी और इंपोर्ट इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन हो जाएगी, तो वो जे कर्व की शक्ल बन जाती है। अच्छा, ये जो ये वाली कंडीशन है जिसमें डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी इंपोर्टेंट ग्रेटर देन वन है, इस कंडीशन को हम कहते हैं मार्शल लर्नर कंडीशन। तो मार्शल लर्नर कंडीशंस क्या कहती है, मार्शल लर्नर कंडीशन कहती है कि एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट करने का फायदा उस वक्त है जब डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर इंपोर्ट इलास्टिसिटी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन वन हो, तब तो हमें फायदा है। उसके नतीजे में फिर करंट अकाउंट जो है वो क्या होता है, वो बेहतर होना शुरू हो जाता है, डेफिसिट कम होना शुरू हो जाता है, अदरवाइज हमें कोई फायदा नहीं है उसके अंदर। ठीक है जी, तो जे कर्व क्लियर हो गया आपको। तो ये आपको बता रहा है कि ये वाली जो मैंने बात की है इसको मार्शल लर्नर कंडीशन कहते हैं। ये वाली जो है ये मैंने नीचे लिख भी दिया, ये वाली मींस ग्रेटर देन वन वाली, लेस देन वन वाली नहीं, ग्रेटर देन वन वाली, ये मार्शल लर्नर कंडीशन है जिसको ये मैंने हाईलाइट किया हुआ सारा। तो वो मार्शल लर्नर दो इकोनॉमिस्ट थे, वो ये कहते थे कि एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट करने का फायदा कब है। तो वो एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट करने का फायदा लॉन्ग रन में है, तभी करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है ना, और कम होते 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 जीरो होता है और फिर डेफिसिट से सरप्लस प्लस में जाने का मतलब सरप्लस में चला जाता है, तो तब फायदा है। इसका मतलब है कि ये चीज होती लेकिन लॉन्ग रन में है, ये समझ गए। तो इसका मतलब यह है कि डिमांड और सप्लाई इलास्टिसिटीज को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन होना चाहिए। ग्रेटर देन वन मींस मोर इलास्टिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये आपके सामने है, क्योंकि जब ये होगा तो देखें इधर एक्सपोर्ट की कीमत में कमी आएगी, जब एक्सपोर्ट की कीमत में जब कमी आएगी एक्सचेंज रेट के डेप्रिसिएशन होने की वजह से, क्योंकि जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होता है तो ये दो चीजें होंगी ना, एक ये चीज होगी और एक ये चीज होगी। जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा तो ये दोनों चीजें होंगी ना। तो आप ये बिल्कुल इस तरीके से समझ लीजिए कि आप एक फॉर एग्जांपल एक शख्स के पास जाते हैं जो सब्जी बेचता है, और वो आप उससे कहते हैं हाँ भाई मुझे आलू चाहिए, तो आलू कितने रुपए किलो हैं, तो वो कहता है जी आपने लेनी कितनी है। आप कहते हैं यार मैंने लेनी है, तुम बताओ कि कीमत कितनी है। आप वो कहते हैं 40 रुपए किलो, तो वो 40 रुपए किलो आपको कीमत बताता है। तो आप कहते हैं यार इसको ना तुम कम करो, तो वो कहता है कि 40 रुपए किलो हैं तो कम मैं करता हूँ, लेकिन आप बताएं लेनी कितनी है। तो आप कहते हैं नहीं इसको कम करो, वो कहता है यार तुम बताओ कितनी लेनी, मैं उसके मुताबिक फिर कम कर सकता हूँ। तो आप कहते हैं नहीं मुझे बताएं कि कितने कम कर सकते हो, वो कहता है चलो मैं तुम्हें कम कर देता हूँ, 30 रुपए कर देता हूँ। 40 से वो 30 पे आ गया, और वो 30 कर, इसका मतलब उसने अपनी चीज की कीमत कम की है। तो आप कहते हैं यार मजीद कम करो, वो कहता है अच्छा चले मुझे अपना 25 रुपए दे दें। तो आप कहते हैं नहीं मजीद कम करो, तो वो कहता है मैं मजीद नहीं कर सकता। आप कहते हैं मजीद कम करो, वो कहता है अच्छा लेने कितने गए आपने जो मुझसे इतनी कम करा रहे हैं। तो वो कहता है कि जी 20 रुपए कर लो, तो बस 20 से ज्यादा मैं नहीं कर सकता। यानी आपने 40 रुपए से उससे कम करा के कहाँ पे ले आए हैं, 20 रुपए पे ले आए हैं आलू, और उसके बाद उसे कहते हैं यार आधा किलो दे दो, तो क्या हाल होगा उसका मुझे बताइए। यही चीज मैं आपको कह रहा हूं
कि जब आप किसी चीज अपनी चीजों की कीमत एक्सपोर्ट की कीमत कम करते हैं तो आपकी चीज की डिमांड जो है वो कम से कम इतनी तो बढ़े, लेकिन हमारे दुनिया के लोग क्या कहते हैं, हम अपनी चीज उनके लिए सस्ती कर देते हैं एक्सचेंज रेट में कमी ला के, लेकिन वो हमारी चीज की डिमांड में कितना इजाफा करते हैं, इतना। तो ये फायदा कब है, इतना जब होता, यही चीज मैं बता रहा हूँ कि हमने अपनी चीज की कीमत में कमी की तो उन्होंने हमारी चीज की डिमांड में इतना इजाफा किया, अगर इतना करते तो फायदा था ना, ये मोर इलास्टिक होता तब फायदा है। और क्लियर हुई बात, ये जो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूं कि तब फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। यानी ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन वन होगा, जैसे ये ग्रेटर देन वन होगा तो फायदा, यानी मोर इलास्टिक होगा तो फायदा होगा ना, वरना तो कोई फायदा नहीं है। वरना तो कहेंगे जी आधा किलो दे दो बस, ये एक पाव दे दो, इतनी काम करने के बावजूद। और दूसरी तरफ इम्पोर्ट के हवाले से भी देखें कि आपने अपने एक्सचेंज रेट कम करके इम्पोर्ट की प्राइसेस को बढ़ाया है, यानी अपनी अपने लिए दुनिया की चीजें महंगी कर ली हैं, और आपके अपने लोगों ने उसकी डिमांड में कितनी कमी की, इतनी, तो क्या फायदा है ना, आपका तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा इम्पोर्ट के ऊपर। तो इसलिए अगर तो मोर इलास्टिक होता, यानी ये वाली चीज होती, ये वाली, तब तो फायदा था। इन दोनों सूरतों में, एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी डिमांड की भी, और एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी डिमांड की और इम्पोर्ट इलास्टिसिटी डिमांड की, दोनों की ग्रेटर देन वन होगी तो फायदा है एक्सचेंज रेट को कम करने का, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मार्शल लर्नर ने ये कहा था कि डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी और इम्पोर्ट इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन वन होगी और तब आप एक्सचेंज रेट में कमी लेके आएंगे तो तब आपको फायदा होगा, वरना नहीं होगा। इसीलिए इसको मार्शल लर्नर कंडीशन कहा गया था। ठीक हो गया जी। अच्छा, आप इससे आगे चलें, नेक्स्ट जो चीजें हैं मैं आपको इसके अंदर बुक के अंदर शो करता हूं, ये चीजें ये देखें जी, ये मैंने आपको करा दिया सारा डेप्रिसिएशन और ये, और फिर मैंने आपको ये जे कर्व भी समझा दिया। इस जे कर्व को थोड़ा सा बेहतर कर लीजिएगा, इसको ऐसे कर लीजिएगा, ये है ऐसे, ठीक है जी। जे कर्व मैंने समझा दिया, जे कर्व क्या शो करता है, जे कर्व ये बताता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, करंट अकाउंट के ऊपर, करंट अकाउंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर एक्सचेंज रेट कम होता है। तो इन इलास्टिसिटी अगर होगी दोनों की, सप्लाई की भी और डिमांड की भी, तो फिर जो है वो पहले डिटेरिएट होगा और फिर इम्प्रूव होगा, ठीक है ना जी। ये आपके सामने, ये शुरू में तो डिटेरिएट हुआ यहां तक, और उसके बाद ये इम्प्रूव होना शुरू हो गया, ये मैं बता चुका हूँ सारी डिटेल। अच्छा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन मेजर्स। अब क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन ये था कि हमने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने का एक तरीका तो डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी था, वो मैंने डिटेल से समझा दिया। उसमें फिर मार्शल लर्नर कंडीशंस का रोल एक्सचेंज रेट में कमी करने के नतीजे में, वो आपके सामने शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन की कहानी, और फिर प्रोटेक्शन मेजर्स। अब आप देखें, आप चाहते हैं कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको, जो डेफिसिट है उसको रेक्टिफाई किया जाए, यानी उसको कम किया जाए, यानी करंट अकाउंट की बात एक्चुअली कर रहे हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया जाए, तो उसके लिए जारी सी बात है कि करंट अकाउंट डेफिसिट है क्यों, उसकी वजह यही है ना कि आपके इम्पोर्ट ज्यादा हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स कम है। तो उसका तरीका यह है कि आप इम्पोर्ट जो ज्यादा हैं उसको कम करें। तो डायरेक्ट तरीका यह है कि प्रोटेक्शन मेजर पे आए, तो उसके लिए यानी इम्पोर्ट ज्यादा है तो इम्पोर्ट का वॉल्यूम को क्या करें, कम करें। और इम्पोर्ट का वॉल्यूम कम करने का तरीके क्या है, वो ये चार पांच तरीके लिखे हुए इम्पोर्ट की, इम्पोर्ट को कम करने के, या दूसरा ये कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के, क्योंकि मसला इन दोनों की वजह से ही तो डेफिसिट है ना। और डेफिसिट को अब आप क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, इन दोनों की वजह से डेफिसिट है और डेफिसिट को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो डेफिसिट को कम करने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा और इम्पोर्ट को कम करना पड़ेगा। तो यहां तक, यहां से लेके यहां तक देखें तो ये
इंपोर्ट को कम करने के तरीके बताए जा रहे हैं, और ये जो तरीका है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का तरीका बताया जा रहा है। पहला ये कि आप अपनी चीजों के ऊपर, बाहर जो आप जो इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर टैरिफ लगा दें, टैक्स लगा दें, तो वो चीज महंगी होके आएगी आपके मुल्क में, तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट कम हो जाएगी। इंपोर्ट का कोटा रख दें कि इससे ज्यादा नहीं आएगा, जैसे हमारे मुल्क में गाड़ियों का रखा हुआ है, तो उससे क्या होगा कि आपकी बाहर से गाड़ी नहीं आएगी। अगर 1,000 गाड़ी आनी है तो 1,000 एक साल में रखा हुआ है कोटा आपने, तो 1,000 के बाद नई गाड़ी साल में तो नहीं आएगी, अगले साल ही आएगी, तो इम्पोर्ट कम हो जाएगी ना। या फिर आप टोटल बैन कर दें। टोटल बैन का मतलब ये है एम्बार्गो, यानी ऑफिशियली बैन कर दें आप उसके ऊपर। ऑफिशियल बैन करना, उसे हम एम्बार्गो कहते हैं, एम्बार्गो इन इम्पोर्ट्स फ्रॉम ए सर्टेन कंट्री, इम्पोर्ट कम हो जाएगी। फिर ये है कि आप जो कि आपके मुल्क में लोग हैं ना जो बाहर से मंगवाते हैं चीजें, उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है थोड़ी सी मुश्किल कर दें, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा मांग लें, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन उनके ऊपर डाल दें। किस तरीके से? कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा दें और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इम्पोर्टेड गुड्स के बढ़ा दें, उन्हें कहें ये चीजें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सामने रख के आप मंगवाएंगे, अगर वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ना हुए तो हम अपने मुल्क में नहीं आने देंगे। इससे ऑटोमेटिकली लोग कम मंगवाएंगे चीजें। और फिर यह है कि एक्सचेंज रेट के जरिए करें ये सारी चीजें, तो अपना एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसके नतीजे में इम्पोर्ट्स जो है वह महंगी हो जाएंगी। और एक्सचेंज दूसरा ये है कि आप उनको थोड़ा सा इम्पोर्टर्स के लिए मुश्किल बना दें कि वो फॉरेन करेंसी ले सकें, फॉरेन करेंसी की अवेलेबिलिटी उनको मुश्किल कर दें, ठीक है ना जी। और अगली बात यह कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आप एक्सपोर्ट सब्सिडी दें एक्सपोर्टर्स को, जो आपके मुल्क में एक्सपोर्टर्स हैं जो आपकी चीज़ को बाहर बेचते हैं, उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज दें, उनको सब्सिडीज दें, तो ये चीज़ है। लेकिन इन सब का नतीजा, इन प्रोटेक्शनिस्ट मेयर्स का नतीजा ये निकल सकता है कि जिस मुल्क के चीजों पे आप टैरिफ लगाएंगे वो भी आपकी चीजों पे टैरिफ लगा सकता है, यानी वो काउंटर मेजर कर सकता है, तो इसका ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है। और ऐसे मुल्क जो कि ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड पर रिलाय करते हैं, उनको ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लेते हुए जरा थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट ये आता है कि बाकी मुल्क भी तो उनकी चीजों पर टैक्स या टैरिफ लगा सकते हैं, तो ये चीज देखने वाली है। ठीक हो गया जी। और इसके बाद जो है वो ये है कि नेक्स्ट जो चीज़ है करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने की, वो ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर कीमतें कम करें, क्योंकि जब आप अपने मुल्क के अंदर कीमतें कम करेंगे तो आपकी चीज़ सस्ती होगी, तो आपकी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी दुनिया में, और आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, और आपका जो करंट अकाउंट है वो बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अपने मुल्क के अंदर कीमतें कम करें। तो कीमतें, लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि आपके मुल्क के अंदर तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, और एग्रीगेट डिमांड जब आप पता है आपको ज़्यादा होता है तो कीमतें ज़्यादा होती हैं, तो अब कीमतों को आपने कम करना है, तो उसके लिए आपको एग्रीगेट डिमांड में कमी लानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो गवर्नमेंट इस मकसद के लिए कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइसेस में कमी आए, तो गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड को कम करना पड़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो जाहिर सी बात है कीमतें कम होगी, और कीमतें कम होंगी तो आपकी चीज दुनिया में ज्यादा बिकेगी, यानी आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा तो आपका करंट अकाउंट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कीमतों में कमी करना जरूरी है, और इसलिए इसको लिखा है डोमेस्टिक डिफ्लेशन। उसके लिए एग्रीगेट डिमांड को कम करना पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड कैसे कम होगी? कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, नंबर वन। नंबर टू, गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर दे। नंबर थ्री, गवर्नमेंट क्या करे, खुद एक्सपेंडिचर करना कम कर दे। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं जिसको गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है, यानी एक्सपोर्ट्स तो आप बढ़ा लेंगे और करंट अकाउंट को भी बेहतर कर लेंगे, लेकिन एक साइड इफेक्ट ये आएगा कि जब आप गवर्नमेंट खर्चे कम करेगी, या अपने मुल्क के अंदर आप डिमांड कम कर देंगे, तो आपके मुल्क के अंदर आउटपुट कम पैदा होना शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, आपके मुल्क के अंदर जॉब्स लोगों की चली जाएंगी, आउटपुट इंडस्ट्री की कम हो जाएगी, तो ये साइड इफेक्ट आएंगे। और उसका अल्टरनेटिव लॉन्ग रन में इम्पैक्ट ये होगा
कि आपकी एक्सपोर्ट जो बढ़ रही थी वो भी नहीं बढ़ पाएंगी, वो भी कम हो जाएंगी। तो ये डिफ्लेशन का काउंटर इफेक्ट आएगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग रन के बाद, लॉन्ग रन में जाके आएगा कि मजीद कीमतें तो कम की, लेकिन कीमतें कम होने से एक्सपोर्ट में इजाफा शॉर्ट रन में तो शायद थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में जाके तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय कम हो जाएंगी, क्योंकि ना पैदा ही नहीं होंगी तो एक्सपोर्ट कहाँ से होंगी, क्योंकि आपके मुल्क में डिमांड ही आप कम कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो क्यों प्रोड्यूस करेगा। जब प्रोड्यूस नहीं करेगा तो लोगों को जॉब ही नहीं मिलेगी, प्रोडक्शन से ही जॉब मिलती है ना। प्रोडक्शन अगर इंडस्ट्री में नहीं हो रही, एग्रीकल्चर में नहीं हो रही, तो जॉब अवेलेबिलिटी कहाँ से होगी। तो ये थोड़ा सा एक लॉस इसके साथ रिलेटेड है या साइड इफेक्ट इसके साथ रिलेटेड है जो देखना पड़ेगा हमें। तो बहरहाल, तो ये गवर्नमेंट डिफ्लेशनरी मेजर्स में मैंने अभी आपको बताया कि स्पेंडिंग कम कर सकती है, टैक्स बढ़ा सकती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी मैंने डिस्कस कर दिए। तो ये टॉपिक खत्म।